वेलकम बैक टू मिस्कास फैमिली चैनल एंड आई एम मेघा, मिशिका की मम्मी। सो गाइज, आप लोग ये वाला मेकअप लुक तो देख ही चुके होंगे मेरी चैनल पे, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो शायद अभी मैं डाल नहीं पाई होंगी, बिकॉज अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 12:30 सुबह के, दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और मैंने जस्ट अभी अभी 2 वीडियो शूट किए हुए हैं। सो मुझे ये लग रहा था कि इतने दिन से लोग पूछ रहे थे, दी आप इतनी अच्छे अच्छे लिपस्टिक से लगाते हो, प्लीज़ हमें बताइए कि आप कौन सी लिपस्टिक लगाते हो एंड आप इतने प्यारे प्यारे कलर लगाते हो। सो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। सो मैंने लिपस्टिक के कुछ चॉइसेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो वीडियो मे बी आपको कल मिल जाए एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे लिपस्टिक्स हैं, और इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे इतनी प्यारी लिपस्टिक हैं कि अच्छे से महंगी लिपस्टिक को मात दे देंगी। सो आई जस्ट होप कि वो लिपस्टिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी जो मैंने स्वेचेस दिए हैं। अगर पसंद आए तो क्या। सो गाइस, चलिए हम कर लेते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। सो एक्चुअली मैंने अमेजोन से एक अलमेरा मंगवाया हुआ था, प्लास्टिक का है, और उसको मैंने कपड़ों के लिए मंगवाया हुआ था। सो मैंने वो कपड़े मंगाए हुए हैं, अलमेरा मंगाया हुआ है, तो अभी बाबू उसकी सेटिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपनी मेकअप लुक शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यार मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। अब ये सब रिमूव करना होता है, यही होता है ना कि 2 का मेकअप होता है, उसके बाद हमें रिमूव करना होता है, लेकिन मेकअप लुक जब मैं शेयर करती हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं अपने मेकअप लुक, बिकॉज मैं बहुत ईजी वे में बहुत अच्छे मेकअप लुक शेयर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने ईजी वे में मैं सारे मेकअप लुक शेयर करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइट हो रहा था, बहुत ज़्यादा गड़ रहा, देखो ना यहाँ पे निशान भी बन गया। सो अब मैं कर रही हूँ मेकअप रिमूव गिन्नी के बेड वाइप से। सो मेकअप रिमूव आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो मैं मेकअप करने से पहले बहुत अच्छे से स्किन केयर करती हूँ, बिकॉज हमारी स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में। सो आपको अच्छे से अपनी स्किन केयर हमेशा ही करनी चाहिए, और ख़ासतौर से विंटर में तो मस्ट हैव है। सो चलिए मैं रिमूव कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं लगती हूँ अब अपने काम में, और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन सी थी, इसलिए मेरी राजा ने काफ़ी हेल्प की, और मैं यहाँ पे अपना जो मेकअप वेकअप था वो सब समेट रही थी, क्योंकि जो मेरा मेकअप का सामान होता है ना वो स्टार्टिंग में जब मैं करती हूँ ना इतना ज़्यादा फैल जाता है कि समेटने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, बिकॉज अभी सब कार्टून में भरा पड़ा है। सो निकालने में रखने में बहुत टाइम लग जाता है। सो मैं ये सब सेटल कर रही थी, और जो मैं डेली बेसिक पे यूज़ करती हूँ सामान उसको मैंने अलग से किट में लगा लिया था कि चलो मैं इसमें रख ले रही हूँ, ताकि मुझे बार बार निकालने और रखने का वो ना रहे, टेंशन ना रहे। सो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें जो हैं समेट रही थी। और बताइए गाइज, आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और कोशिश तो ये रहती कि अच्छे लगें, एंड मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ अपने घर की, वो बस इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे कमेंट्स किए थे कि दी हमारे साथ अब छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करना कि आप अपने न्यू घर के लिए क्या क्या कर रहे हो। सो वही सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, इस बारे में तो हम खैर बाद में बात करेंगे। सो गाइज़, मैंने जैसा कि बोला था कि बाबू ने एक स्टैंड मंगाया हुआ था कपड़े का, मैंने ऑर्डर किया था, ये बाबू को क्रेडिट नहीं देती हूँ मैं, लेकिन हाँ बाबू ने इसको सब कुछ सेट किया, क्योंकि छोटे छोटे पाइपों में आता है, इसको बहुत सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग गया था। सो मैं इसमें सारे कपड़े जमा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे सारे कपड़े बैग में भरे पड़े हैं। मुझे बैग में चीज़ें मतलब पता नहीं क्यों उलझन होती है, मुझे लग रहा था मेरा कब ये स्टैंड आ जाए और मैं इसके ऊपर सारे कपड़े जो हैं वो जमा दूँ, तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला। प्लस ये इतना अच्छा है कि इसमें आप कितना भी ज़्यादा वज़न रख देना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया इसको, और इसमें अभी मेरे ऑलमोस्ट आप ये सोच सकते हो कि 60% कपड़े आ चुके थे, फिर भी ये टस से मस नहीं, और ऐसा नहीं लग रहा था कि टूट जाएगा अगर मैं ज़्यादा वज़न रखूँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। आप ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ इसमें रख सकते हैं। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ये ना लुक भी अच्छा दे रहा है मेरे रूम में। जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने एक और मंगाया हुआ है जो कि मुझे 1 से 2 दिन में रिसीव हो जाएगा। इंदौर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं कोई भी चीज़ मंगा रही हूँ ना तो वो मुझे जल्दी से जल्दी रिसीव हो रही है। छतरपुर में बस यही टेंशन होता था कि 8 डेज़ मांगता था, वो 1 वीक लग जाना है पूरा,
अब मैं कुछ मंगाती भी हूँ ना तो फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि एक वीक कौन वेट करेगा मुझे। तो अगर मैं कुछ मंगाती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि वो जल्दी से रिसीव हो जाए। सो मुझे एक दिन में, मतलब आज मैंने कुछ ऑर्डर किया, वो मुझे परसों मिल जाएंगे। वो क्या, वो आप लोगों को परसों के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो इसी तरीके से मैंने सारी अपनी स्टैंड को जमा लिया था, और जब ये जम जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबा हो, बिकॉज़ भी मतलब की चीज़ें मुझे डालना पसंद है। मैंने जो अपनी अलवारी है उसको अच्छे से जमा दिया है। यहाँ पे मैंने अपने डेली वाले कपड़े रख दिए हैं जो मैं डेली में पहनती हूँ। यहाँ पे मिशिका की फ्रॉक्स हैं, इस लाइन में उसके कुछ स्वेटर हैं, इस लाइन में उसकी इनर वगैरह हैं, पैंट वगैरह हैं, ये डाइपर रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स हैं उसके, यहाँ पे ये बाबू के कुछ कपड़े हैं, कुछ तो वहाँ पे टंगे हुए हैं, इतने सारे भरे हुए हैं। ये दो लहंगे मेरे पास जो हैं वो है, ऊपर मेरी बर्थडे की ड्रेस है, और बाबू का कुछ सामान है, इनर वगैरह, और ये यहाँ पे ब्लैंकेट रख दिया है मैंने, और यहाँ पे मेरी साड़ी, जो साड़ियाँ हैं वो रख दी हैं, कुछ साड़ियाँ मेरी बैग में ही रखी हुई हैं। यहाँ पे सारी मिशिका की जैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 जैकेट हैं। यहाँ पे थोड़े से सॉक्स वगैरह भी रख दिए हैं मैंने, और ऊपर हल्के से फूल जो मैं लाई थी वहाँ पे छतरपुर में, तो वही वाले रख दिए हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये बाबू का बैग है, सो मैंने इसके ऊपर ही रख दिया क्योंकि इतना वजन ये सह लेता है। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं इसे। तो आई नो गाइस कि आप लोग पूछने वाले हो मुझसे कि ये कितने रुपए की आई है, क्योंकि मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर आएगा। तो सबको ही पता है अमेज़ॉन पे काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस पे मुझे मिल गई, ओनली 1600 रुपये में मेरा सारे जो कपड़े थे वो इसमें बन चुके हैं। कुछ कपड़े रह गए हैं जो मैंने अभी तय नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि वो गंदे कपड़े हैं, लेकिन वो इसमें बन जाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह बची हुई है अभी। तो मैं इसके साथ बड़ा हैप्पी हूँ, क्योंकि कम से कम होता ना, जगह नहीं घेर रहा है। यहाँ पे मेरे सारे मेकअप के सामान रखे हुए, उसके लिए भी स्टैंड मैंने बनवाया है दीदी से, वो भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जो मेरा सारा मेकअप का चूड़ी और मेकअप का ही सामान है, सो ये जो कोना है इस कोने को मैं कल जमाऊंगी। और ये यहाँ पे मेरी ब्लैंकेट और उसके नीचे बोरी रखी हुई, इस बोरी में मिशिका के बचपन के छोटे छोटे कपड़े रखे हुए हैं जो यादों की तरह रखे हुए हैं, जिनको मैं डालने वाली हूँ बेड के दीवान में। और यहाँ पे मेरी शूज़ वगैरह भी रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इनको मैं बहुत ही जल्द, इनके लिए मैंने सेम इसी तरह का स्टैंड मंगाया हुआ है जो कि 600 रुपये का है। वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का है, जो कि मुझे कल डिलीवर्ड हो जाएगा, तो मैं उसमें सूट्स वगैरह रख दूंगी। और प्लस मैं अभी, मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, बिकॉज ये जो बैग वगैरह है इसी को मैंने खाली किया है। ये मेरे मैसी कपड़े पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और अभी देखते हैं कि कितना मेरा अभी काम रह गया है, वैसे काम तो अभी ढेर सारा रह गया है। सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं, थैंक गॉड। और इसके बाद चलते हैं हम हमारे किचन में कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और आज एक और चीज़ आ रही है हमारे घर पे, वो है वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन की बहुत ज़्यादा नीड थी, जो कि नहीं आ पा रहा था, वॉशिंग मशीन नहीं आ पा रही थी। लेकिन अभी बाबू ने बोला है कि अभी वो बुक करके आ गए हैं, तो वो 1 से 1.5 घंटे में हमें डिलीवर्ड हो जाएगी घर पर। और सो गाइज, अभी मैंने ये डिब्बे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जमा दिए हैं, ये देखिए। सो जल्दी से जल्दी, और यहाँ पे मैंने फिटिंग करवा लिया है अपना ये बर्तन स्टैंड मैंने यहाँ पे फिट करवा दिया है। अभी बर्तन सब कुछ ऐसे वैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ बर्तन गंदे होते हैं और फिर निकलते हैं ना, तो वो जमे रह ही नहीं पाते। और राजा भी यहाँ वहाँ से निकलता है, अब लड़कों को उतनी नॉलेज थोड़ी होती है, ये सारे काम तो लड़कियों के होते हैं। अभी ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं, वॉशिंग मशीन बस आ जाए, थोड़ा सा टेंशन कम हो, क्योंकि कपड़े इतने सारे गंदे गंदे पड़े हुए हैं, उनको भी वॉश करना है, नहीं तो वो बहुत सारे ढेर लग जाएगा। और क्या हुआ ना, रास्ते में कुछ अच्छे साफ कपड़े थे वो तो बैग में रखे थे, लेकिन कुछ कपड़े गंदे थे, मतलब कुछ गंदे नहीं थे, कुछ बोरियों में आए तो वो गंदे हो गए और उनको मैंने निकाल के रख दिया। अभी मुझे वो सारे कपड़े वॉश करने हैं। अब कल मंगलवार पड़ जाएगा, तो मैं कल तो वॉश नहीं करूँगी। सोच रही हूँ कि परसों मैं सारे कपड़ों को मशीन में लगाऊंगी और सारे धोऊंगी,
फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ली है बाबू ने, और टीवी भी बाबू ही ने ही, मतलब वो जो चीज़ लाते हैं बहुत अच्छी लाते हैं, काय को बोलूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब वो कुछ ऐसा लाते हैं। तो अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं वहाँ पे बाबू के सामने करूँगी तो उनको हर्ट होगा या उनको बुरा लगेगा ऐसा क्यों बोला लोगों ने या कुछ भी। कुछ लोग फालतू में मेरे कल के कम्युनिटी में इतने ज़्यादा कमेंट्स भरे भरे जा रहे हैं कि तुझे तो सिर्फ वीडियो से मतलब है, तुझे मतलब नहीं है कि तेरा पति को एक्सीडेंट हुआ है, तू उनका ख्याल नहीं रख रही, अपने घर से मतलब रखती है, तुझे काम ही क्या है, तू एक अच्छी माँ नहीं है, तू एक अच्छी बीवी नहीं है। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ का आंसर दे दीजिए कि मैं अपने वीडियो में ऐसा अलग से क्या दिखा रही हूँ जिसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा है, जिनको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि भीड़ चाल चलते हैं ना लोग। तो कमेंट्स भर दिए, मैंने सारे कमेंट डिलीट कर दिया था, एक कमेंट छोड़ दिया था जिसको देख के लोगों ने कमेंट्स ये चीज़ के भर दिए थे, लाइक भी बड़े लोगों ने किया उसको। मुझे बस एक चीज़ बताइए कि मैं ऐसा कौन सा अलग से काम कर रही हूँ जिसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, या फिर मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो क्या मेरे हस्बैंड नहीं खाते खाना, ठीक है? अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या इस घर में हस्बैंड नहीं रह रहे? अगर मैं पोछा दिखा रही हूँ तो क्या इस घर में हस्बैंड नहीं है, ठीक है? अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो क्या इस घर में हस्बैंड नहीं है? मैं कहीं बाहर घूमने गई, आपने एक ब्लॉग देखा कि मैं इंदौर में अभी जब से आई हूँ तब से मैं कहीं बाहर गई, नहीं देखा ना? तो ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? या मुझे तो समझ में नहीं आता किसी को ये हक किसने दे दिया कि कौन अच्छी माँ है कौन अच्छी माँ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी के पास ये हक है कि किसी भी माँ के लिए कुछ बुरा बोल जाए, क्योंकि हर माँ अपनी जगह अच्छी होती है। मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी है, और बाबू की माँ भी बहुत अच्छी थी है और हमेशा ही रहेंगी। सबकी माँ बहुत अच्छी होती हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करती हैं, ठीक है? अगर आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम अपनी बेटी से मोबाइल चलवा रही हो इसलिए तुम अच्छी माँ नहीं हो, तो एक्सक्यूज़ मी, आज के टाइम में मोबाइल चलाना बच्चों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। वो चलाती कब है? जब मैं काम कर रही होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तभी मैं उसको मोबाइल देती हूँ। हर टाइम उसके हाथ में मोबाइल नहीं होता है, ये चीज़ आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि मेरे पास और बाबू के पास एक एक मोबाइल है। क्या मिशिका के लिए पास एक्स्ट्रा मोबाइल है जो मैंने मिशिका को एक और मोबाइल पकड़ा दिया? कुछ तो सेंसिबल बातें किया करो, सेंस होता है कुछ ये बातों का? आपने ऐसी मुंह उठाया पटक दिया और बस चल दिए, आप तो चले गए लेकिन आपने ये नहीं सोचा सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है। अच्छी माँ नहीं हो, अच्छी बीवी नहीं हो, अच्छी बहू नहीं हो, तुम माँ को तुम बताओगे हमें हम अच्छी माँ या बुरी माँ हैं? ये हक हमने किसी को नहीं दिया। आप वीडियो देखो, इन्जॉय अगर लगे तो इन्जॉय करो, अच्छी लगती है तो इन्जॉय करो, और बुरी लगती है तो आप निकलते बनो। मैं तो इतना भी कहती हूँ डिसलाइक दो, निकलते बनो, ठीक है? हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अच्छी बात नहीं होती है। तारीफ नहीं कर सकते हो अगर किसी की तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी ये सोच लेना चाहिए कि बंदी ने एक ब्लॉग बनाया होगा, बच्ची को संभाला होगा, मींस अपने हस्बैंड को संभाल रही है प्लस ब्लॉगिंग कर रही है, तो वो सोचो वो कितनी मेहनत कर रही होगी। अभी कुछ लोग आके बोल देते हैं आप अपने काम पे वो नहीं हो, आपको अपने काम पे फोकस नहीं है, आप अपने काम नहीं अच्छे से करते हो। कुछ लोग आके ये बोल जाते हैं कि तुम मतलब तुम बस वीडियो बना रहे हो, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? आप लोगों का मन का नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी लाइफ है, चैनल भी मेरा है, मिसिकास फैमिली चैनल मेरा है, और इसमें जो भी कंटेंट्स आता है वो भी मेरा है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बुरा लगे ना ही लाइक करना, ना ही शेयर करना, ना ही सब्सक्राइब करना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आप क्यों उन्हें वॉच कर रहे हो? और इतना टाइम आपके पास कैसे आ जाते हैं कि आप दो दो पेज के खर्रे वाले कमेंट्स कर लेते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, ओ माय गॉड, मैं आप लोगों के बिना ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर आप लोग सुन रहे हो ना, मैं आपके बिना ज़ीरो हूँ। मुझे कुछ नहीं आता था और मुझे आज भी कुछ नहीं आता है, मुझे कोई नहीं जानता है सिवाय आप लोगों के, और आप लोग मुझे इतने अच्छे से समझते हो, इसीलिए मैं आप लोगों से इतना कनेक्ट हो पाई हूँ, इसीलिए अपना वक्त निकाल के आपको वक्त दे रही हूँ, और आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। आई जस्ट होप कि मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, बिकॉज आपकी सपोर्ट के बिना मेघा मेघा नहीं है, मेघा को कोई नहीं जानता। आज मुझे प्राउड होता है कि मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ बात आती है कि आप एक अच्छी बीबी नहीं हो या माँ नहीं हो, तो आपको ये हक किसी ने नहीं दिया, ये किसी को भी किसी ने हक नहीं दिया कि कौन माँ अच्छी है कौन बीबी अच्छी है। सब अपनी जगह अच्छे हैं। आप हमारे घर का पूरा करके नहीं जा रहे हो। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मुझे बताएं कि मैंने एक शब्द भी मैं इसमें कुछ गलत बोला है। चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक लिए बाय, शू शू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ख्याल रखिएगा अपना।